हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यू करते हैं हमारा बेसिक मैथमेटिक्स में। तो वी विल स्टार्ट द होमवर्क क्वेश्चन। सो लेट मी कॉपी द होमवर्क क्वेश्चन। तो पहला हमारे क्वेश्चंस में मैंने 5-6 क्वेश्चन दिए थे बेस्ड ऑन हाउ टू ओपन द मॉड। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन वाज मॉड ऑफ x + 9। ठीक है, बहुत ही सिंपल, मॉड ऑफ x + 9। तो मैं इसमें क्या कर रहा हूं, मैं पहले x + 9 कहां जीरो हो रहा है, माइनस 9 पे। तो मैंने बोला कि 0 तो माइनस 9 हो रहा है, और बाकी मैंने क्या बोला कि जो x प्लस 9 है, हम क्या देखते हैं मॉड को कैसे ओपन करते हैं, कि मॉड के अंदर जो भी लिखा है हम देखते हैं कि वो किन x के लिए पॉजिटिव है, जिन x के लिए वो पॉजिटिव है ऑफ कोर्स फॉर दोस x वी विल ओपन द मॉड डायरेक्टली, और जिन x के लिए अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव है फॉर दोस x मॉड विल ओपन विद द नेगेटिव साइन। ठीक है, तो मैंने बोला कि ये चीज क्या होगी, या तो x प्लस 9 होगी या फिर माइनस 10 x प्लस 9, मतलब मॉड जो है या तो डायरेक्टली ओपन होगा देख लेना सबके आंसर्स।
बिल्कुल मैच करना चाहिए ठीक है ना, कहीं भी कोई गलती हो रही है तो देखो क्यों तुमने गलती की हो, यू शुड एनालाइज इट. नाउ कम्स थर्ड वन, इधर सिंपल सा मॉड ऑफ x into x minus 1. तो अगेन मैंने इसको कैसे बोला, प्लस माइनस प्रिंट करो, x minus 0 लिखा है और x minus 1 लिखा. तो नाउ x minus 0 कब 0 होगा, 0 पे x minus 1 1 0 कब होगा, x equal to 1 पे. मैंने दोनों रूट्स प्लॉट कर दिए. नाउ आई विल एनालाइज इट फॉर दिस रीजन, दिस इज माय सेकंड रीजन, दिस इज माय थर्ड रीजन. अब फॉर दिस रीजन मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं ना, इस रीजन के लिए मेरा क्या होगा, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो मॉड में अपन का पॉजिटिव साइन, तो ये हो जाएगा x into x minus 1. For this region, that is for x lying between 0 to 1, this is positive, this is negative. So, minus ke saath open hoga, minus x into x minus 1. And for this interval, that is minus infinity se 0, this is negative, this is negative. So, negative, negative, positive. So, overall, mod ke andar ki quantity positive hai. So, mod will open with the positive sign. So, this is x into x minus 1. So, finally, so, main kaise likhunga? The answer is x into x minus 1. Now, for x belongings to this interval as well as this. तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, माइनस इनफिनिटी से 0, अब 0 क्लोज या ओपन कैसे भी लगा कोई दिक्कत नहीं, यूनियन ये 1 से इनफिनिटी. और नेगेटिव साइन के साथ ओपन हुआ, माइनस x into x minus 1, दैट इज फॉर x बिलोंगिंग्स टू दिस इंटरवल 0 टू 1. अब मैंने बोला कि 0 मैंने इधर नहीं लिखा, ओपन रखा है इधर क्लोज कर दो, कहीं भी इधर ही कर दो कॉमा 1. अब ऑलरेडी मैंने 1 इधर क्लोज कर दिया, इधर मैं 1 ओपन रख देता हूं ठीक है ना. दिस इज व्हाट माय मॉड ऑफ x into x minus, get it? Simple था, आगे बढ़ते हैं. Next fourth one, अब तीन factor वाला है, mod of x minus 1, x minus 3, अब देखना किस किस का सही है, okay? Mod of x minus 1, x minus 3, x minus 5. So now we have three factors, so in three factors के corresponding roots I will plot on the number line. Roots will be here 1, 3, 5. ऐसा करने से मेरे पास तीन region आ गए. सच सुनना ध्यान से, तीन sorry चार region आ गए. Region 1, region 2, region 3 and region 4. ठीक है, region 1, region 2, region 3, region 4. Now let's come to the definition. तो अब 5, अब मैं किसके लिए interval के लिए analyze करूँ, for x greater than equals to 5. तो मैंने बोला for x greater than equals to 5, ये positive, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ऑल द थ्री आर पॉजिटिव, सो आउटपुट विल बी पॉजिटिव. हेंस मॉड के अंदर जो लिखा है पॉजिटिव है, मॉड विल ओपन विद द पॉजिटिव साइन. तो इस इंटरवल के लिए मेरा डेफिनेशन क्या हो जाएगा, ऐसा x minus 1, x minus 3, x minus 5, गेट इट. अब इस इंटरवल की बात कर लेते हैं, 3 से 5, 3 से 5 के लिए क्या होगा, देखना ये वाला पार्ट नेगेटिव हो जाएगा x minus 5, और बाकी पॉजिटिव रहेंगे, दोनों पॉजिटिव रहेंगे फॉर दिस इंटरवल. For this interval of x, मतलब जैसे for example मैंने इस interval के अंदर 4 लिया, x is equal to 4. You can see 4 पे ये negative है, ये positive, ये positive. तो अब overall quantity क्या है, mod के अंदर negative, positive into negative, positive, sorry negative. तो mod will open with the negative sign, minus x minus 1 into x minus 3 into x minus 5. Now comes for this region, 1 से 3. तो 1 से 3 क्या क्या होगा, ये negative, ये negative, ये positive. वैसे आगे चल के हम पढ़ेंगे इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे, या तो आज की क्लास स्टार्ट हो नहीं तो कल की क्लास तक हम इसमें मोस्टली कि जब लीनियर फैक्टर्स होते हैं ना तो हमारे पास अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव आता है, मतलब इधर प्लस आएगा, इधर माइनस, फिर इधर प्लस, फिर इधर माइनस. वो कब आता है, जब हमारे एक्सपोनेंट्स इवन ऑड हो गए, और यहां पर पॉइंट है, बट अभी के लिए हम पुराने चीज पे फोकस कर रहे हैं ठीक है. हां, अब 1 से 3, तो मैंने 1 से 3 बताया, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव. तो क्या होगा, ओवरऑल मॉड के अंदर जो क्वांटिटी लिखी है दैट इज पॉजिटिव, हेंस मॉड विल ओपन विद अ पॉजिटिव साइन, तो x minus 1, x minus 3, x minus 5. नाउ कम्स द लास्ट इंटरवल, दैट इज माइनस इनफिनिटी टू 1. फॉर दिस इंटरवल ऑल द थ्री विल बी नेगेटिव, तो तीन क्वांटिटीज नेगेटिव, तो तीनों का प्रोडक्ट क्या होगा, नेगेटिव नंबर होगा. और नेगेटिव है, व्हाटएवर इज रिटन इनसाइड द मॉड इज नेगेटिव फॉर दीस वैल्यूज ऑफ x, हेंस मॉड विल ओपन विद द नेगेटिव साइन. मैं क्या करूं, माइनस साइन, x minus 1, x minus 3, x minus 5. अब प्रॉपर्ली मैं कैसे आंसर मेंशन करूंगा, देखो आउटराइट का आंसर फाइनल सी है, मैं लिखूंगा ये वाला क्वांटिटी इज इक्वल टू, देखो दो दो डेफिनेशन आई ऊपर मिला के मेरे पास, एक तो पॉजिटिव वाली एक नेगेटिव वाली, तो मैं पहले तो ये लिख लेता हूं, x minus 1, x minus 3, x minus 5, और ये टाइप माइनस टाइप x minus 1, x minus 3, x minus 5. ठीक है, दीज आर द डेफिनेशंस, मतलब दो तरीके से ओपन हुआ. ये कब होगा, अब हम इंटरवल लिख देते हैं, तो फॉर x बिलोंग्स टू
A sentence given as what bracket में one close three close and my set is अब देखो जिसको भी दिक्कत हो रही थी अभी तक आप मैच सही करो बता दो ध्यान से सुनना ठीक है ना each and every step जिस मैक्सिमम लोगों ने कर लिया होगा बट फिर भी मेरा काम क्या है कि सभी को आना चाहिए ठीक है ना सो ऐसा मत सोचना सर ऑलरेडी इतना करना चुका है आप कह रही है आई एम सॉल्विंग इट फॉर एवरी स्टूडेंट ठीक है ना ठीक है दो चार को नहीं आया उनको समझा रहा हूँ ठीक है सबसे पहले ए को ए सेट को प्लॉट किया तो वन क्लोज से थ्री क्लोज वन इधर आएगा तो थ्री इसके राइट में आएगा तो वन क्लोज मतलब ये भी फील्ड ये भी फील्ड फिर मैंने बी सेट को मार्क किया टू क्लोज से थ्री क्लोज तो थ्री तो मेरा इसके बीच आ जाएगा और टू इधर बीच में आएगा और थ्री में टू इधर आ तो अगेन ये क्लोज से ये क्लोज सो दिस इज व्हाट प्लॉट किया मैंने अब मैं यूनियन ले रहा हूँ तो यू कैन सी मैंने यू टेक यूनियन ऑफ दिस व्हाट यू गेट वन क्लोज से थ्री क्लोज बिकॉज यूनियन में हम क्या रखते हैं नंबर विच इज प्रेजेंट इन एट लीस्ट वन ऑफ दिस ऑर्डर्स सो बेसिकली बी जो देखोगे ना तुम आगे चल के टर्म पढ़ेंगे सबसेट करके बी इज सबसेट ऑफ ए जैसे मैंने बोला ये पूरा मेरा महाराष्ट्र है सबसेट समझने के बाद महाराष्ट्र और ये लेफ्ट से मैंने लिखा खेड़ तो बेसिकली खेड़ इज व्हाट सबसेट ऑफ महाराष्ट्र मतलब महाराष्ट्र का पूरा का पूरा खेड़ आ गया ठीक है तो उसी तरीके से मैं बोल रहा हूँ बी जो है ना सेट बी मैं एक तरीके से बोलो बी सेट का वही पर टुकड़ा है तो जो बी में है वो तो ए में है ही ए में एक्स्ट्रा कुछ है तो व्हाट इज द यूनियन ऑफ दीस टू सेट बेसिकली सेट ए ओनली तो आंसर इज 1 क्रॉस 3 क्रॉस ठीक है उसके बाद इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन देखना इतना पार्ट आ रहा है दिस मच पार्ट इज इंटरसेक्शन इफ दिस इज 2 तो इंटरसेक्शन इज व्हाट 2 क्रॉस 3 क्रॉस तो इंटरसेक्शन इज 2 क्रॉस 3 क्रॉस दिस इज इंटरसेक्शन दिस इज यूनियन ठीक है अब a माइनस बी इस सब में बच्चों को बहुत गलती होती है मैंने क्या बोला था दोबारा a माइनस बी मतलब एलिमेंट्स ऑफ a विच आर नॉट इन b तो मुझे a में से वो हटाना है जो उसका b के साथ कॉमन है तो a में से b b के साथ कॉमन क्या है 2 क्लोज से 3 क्लोज अरे ये 2 में क्लोज है इसको ना 2 भी हटेगा 2 भी हटेगा और 2 से लेकर 3 तक सारे एलिमेंट हटेंगे इवन 2 भी हटेगा बिकॉज 2 इज क्लोज इन सेट b तो a में से मैं भी हटाऊंगा व्हाट इज लेफ्ट आउट ये वाला रीजन विच इज नथिंग बट 1 क्लोज से इधर गलती होती है बच्चों इधर क्या लगना चाहिए हमें ओपन टू हट गया क्यों हट गया बिकॉज टू इज इन सेट बी और मुझे ए में से वो सारे एलिमेंट्स हटाने हैं जो ए का बी के साथ कॉमन है सिंगल एलिमेंट टू इज कॉमन बिटवीन ए एंड बी हैंस टू पे ओपन आएगा गेट इट और सिमिलरली बी माइनस तो बी माइनस ए को देखा इट इज नथिंग बट 5 बिकॉज बी में जो प्रेजेंट है वो तो सब कुछ ए में प्रेजेंट है ना तो बी में बी के हमें वो पार्ट लेना है जो उसका ए के साथ कॉमन है कॉमन नहीं तो इसमें सब कुछ कॉमन है हैंस आंसर इज फाइन चलो आगे बढ़ो फर्दर सेट ए इज माइनस टू क्लोज से जीरो क्लोज सेट बी इज माइनस वन ओपन से जीरो लेट्स मार्क थोड़ा फास्ट करते हैं ना माइनस टू इधर होगा लेट्स से जीरो इधर होगा थोड़ा उधर कर लेते हैं लेट्स से जीरो ये तो माइनस टू क्लोज इधर फिर जीरो क्लोज ये भी फिर ठीक है अब नीचे माइनस वन से जीरो ओपन दिस इज माइनस वन बिटवीन जीरो एंड माइनस एंड दिस इज जीरो सो दिस ओपन ये ओपन ठीक है नाउ विल सी यूनियन यूनियन का आंसर क्या हो जाएगा इन दोनों का यूनियन अगेन बेसिकली क्या हो रहा है कि जो मेरा सेट बी है दैट इज सबसेट ऑफ सेट ए ए यूनियन बी विल बी नथिंग बट ऊपर वाला सेट ए ओनली एंड दैट इज नथिंग बट माइनस टू से जीरो close zero close because the element should be presented at least one of a or b now intersection common elements now you can see this is the common minus 1 is equal to minus 1 pe open 0 pe open now a minus b karenge to kya aayega dekho a mein se wo hatana jo iska b ke sath common hai ab ye interesting hai thoda sa interesting hai chahe tum logon ne kiya ho i don't know theek hai sahi kiya ho तो देखो a में से वो हटाओ जो b के साथ कॉमन है b के साथ कॉमन कितना माइनस वन से जीरो बेसिकली a में से किस सेट में से मुझे ये पार्ट हटाना है माइनस वन ओपन से जीरो हटाना है व्हाट इज लेफ्ट आउट इज माइनस टू क्लोज से माइनस वन अब बताओ माइनस वन पे क्या लगाओ क्लोज या ओपन तो माइनस वन हटेगा क्या आंसर इज नहीं हटेगा रीजन इज b में माइनस वन है ही नहीं तो माइनस वन क्यों हटाएंगे बिकॉज हम वही पार्ट हटाते हैं जो b a का b के साथ कॉमन है बट माइनस वन इज नॉट इन b हैंस माइनस वन पे क्लोज ही आएगा अब बहुत से बच्चे को मैं पूछता हूँ इसके बाद मान लो ये आंसर करेक्ट है या नहीं तो 99% स्टूडेंट ऐसा मेरे को लगता है अभी तक तो हुआ है चार पांच साल के एक्सपीरियंस है बच्चे लोग बोलते हैं कि दिस इज मच इज करेक्ट बट दिस इज नॉट करेक्ट
This is not correct. The answer is you have to add union curly bracket 0 or and. Why? The reason is 0 is a present body in each segment. So 0 kyun hatayenge? 0 kyun hataye? ठीक है जी माइनस वन से जीरो के बीच में जितने भी नंबर थे वो सारे हटा देंगे बट आई विल नॉट रिमूव माइनस वन एंड जीरो तो माइनस वन तो इधर सेकंड केयर हो गया था व्हाट अबाउट जीरो तो जीरो को मैं अलग से यूनियन करके कर्ली ब्रैकेट में ऐड कर दिया ठीक है तो नोट कर लेना दिस इज इंपॉर्टेंट नाउ अगेन बी माइनस वन अगेन दिस इज वाई कुछ मैं एक्सप्लेन की कोई जरूरत नहीं है ठीक है बी में जो भी है वो सब कुछ ए में तो है तो बी माइनस ए विल बी फाइव नल सेट एम्प्टी सेट नाउ कम्स टू नेक्स्ट ठीक है दिस इज योर लास्ट क्लास ऑन इंटरसेक्शन यूनियन वगैरह तो अच्छे से ध्यान दो ठीक है ना जो भी है आज तुम्हें क्लियर हो जाना चाहिए सर माइनस नाइन ओपन से फोर क्लोज दिस इज माय सेट ए एंड माय सेट बी इज वन ओपन से टू ओपन तो सेट ए को मार्क करते हैं माइनस नाइन एंड लेट्स से हियर इट इज फोर तो माइनस नाइन को ओपन है तो हॉलो सर्कल फोर पे फिल्ड है क्लोज है तो फिल्ड सर्कल नाउ कम्स वन कॉमा टू अगेन वन हियर टू हियर बोथ ओपन Open. Now A union B simple. Directly लिखना A union B is set A only. तो क्या हो जाएगा minus nine से four close. Intersection common part. ये ही पूरा one से two. A minus B. आज ये देखो B minus B. A में से को हटाना तो उसका B के साथ common है. तो A में से बस ये वाला part हटा देता हूँ. ये वाला part one से लेके two तक. तो मैं कैसे लिखूँगा इसको देखना. देखो ध्यान से ये लिखना भी अपने आप में important है. माइनस नाइन से एक तो बल ये मान लो बल है और ये मान लो टू ये कॉमन पार्ट है ये मुझे हटाना है तो क्या बचेगा माइनस नाइन से बल यूनियन टू से फोर अब ब्रैकेट्स पे आते हैं कैसे लगाए ब्रैकेट्स अभी कंप्लीट अब वन पे क्लोज लगाओगे ओपन द आंसर इज क्लोज क्यों भैया क्लोज क्यों क्योंकि वन इधर तो है नहीं तो वन क्यों हटाएंगे तो वन पे क्लोज आएगा सिमिलरली इस टू पे क्लोज आएगा या ओपन जो कुछ है वो सब कुछ तो ये है तो हम कॉमन एलिमेंट्स हटाएंगे तो सब कुछ हट जाएगा तो ये एम्प्टी सी ठीक है सो नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ वन सेट इज माइनस फाइव क्लोज से फोर क्लोज एंड दिस इज माइनस नाइन ओपन से माइनस फाइव क्लोज ठीक है ना वेट अ मिनट या माइनस फाइव क्लोज से फोर क्लोज माइनस नाइन ओपन से माइनस फाइव क्लोज तक इसको मार्क करते हैं दिस इज माइनस फाइव दिस इज फोर क्लोज है तो फील्ड लगा दिया ये भी फील्ड लगा दिया ठीक है यहाँ तक समझ में आया अब माइनस नाइन इधर आएगा तो लेफ्ट ऑफ माइनस फाइव लेट्स इट इज माइनस नाइन एंड माइनस नाइन माइनस फाइव तो यही आएगा माइनस नाइन माइनस फाइव पे क्लोज है तो इधर फील्ड माइनस नाइन को ओपन है तो ये ओपन था ठीक है नाउ लेट्स गो टू द यूनियन पार्ट फर्स्ट व्हाट इज द यूनियन ऑफ यूनियन हियर इन दोनों में यूनियन मतलब द एलिमेंट शुड प्रेजेंट इन एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी यू कैन सी यूनियन का होगा माइनस नाइन से लेकर पूरा फोर तक सारा कवर हो जाएगा इवन फाइव भी कवर होगा माइनस फाइव भी कवर होगा द रीजन इज माइनस फाइव के दोनों में ठीक है तो आंसर विल बी माइनस नाइन ओपन से फोर क्लोज्ड माइनस नाइन ओपन से फोर क्लोज माइनस फाइव इसमें अपने आप आ गए नाउ इंटरसेक्शन वेरी इजी इंटरसेक्शन दिख रहा है क्लियर एक सिंगल एलिमेंट है दैट इज माइनस फाइव सिंगल एलिमेंट माइनस फाइव तो उसको मैं कैसे लिखूंगा डिस्क्रीट सेट कर्ली ब्रैकेट्स माइनस नाउ कम्स ए माइनस बी ए में से वो हटाना है तो उसका बी के साथ कॉमन है तो बी के साथ कॉमन क्या है ओनली सिंगल एलिमेंट माइनस फाइव इसमें तो माइनस फाइव हटा लो बस माइनस फाइव हटाना मतलब माइनस फाइव लेके ऊपर लगा दो तो आंसर विल बी माइनस फाइव ओपन से फोर क्लोज लास्टली बी माइनस ए तो बी में से वो हटा दो तो बी का ए के साथ कॉमन है तो बी तो मेरा ए है कॉमन क्या है माइनस फाइव तो बस क्या करूंगा इधर माइनस फाइव जो है ना इधर हट जाएगा तो माइनस क्लोज की जगह ओपन आ जाएगा तो आंसर विल बी माइनस नाइन से माइनस फाइव दैट्स इट दिस इज द क्वेश्चन नंबर कौन सा था माइनस नाइन से माइनस फाइव वाला फोर्थ नाउ लेट्स गो टू द फिफ्थ क्वेश्चन अब मिक्स वाला दिया था डिस्क्रीट कंटीन्यूअस ठीक है वो देख लेते हैं ये था माइनस टू क्लोज फिर वन क्लोज और सेट भी था जीरो टू फोर सिक्स ठीक है नाउ वंस यू प्लॉट दिस माइनस टू से वन माइनस टू ये रहा वन ये रहा तो
तो माइनस टू पे भी क्लोज फ्रेंड सर्कल, वन पे भी क्लोज फ्रेंड सर्कल, ठीक है। अब ये वाला प्लॉट करते हैं, तो जीरो टू फोर, तो जीरो का टर्म समवेयर इन बिटवीन माइनस वन माइनस टू एंड वन, तो लेट्स से ये जीरो यहाँ है जीरो, फिर टू टू यहाँ, फिर फोर लेट्स से यहाँ है, फिर सिक्स लेट्स से यहाँ है। नाउ ए यूनियन बी रिटर्न, तो देखो इन दोनों का यूनियन लेंगे तो माइनस टू से वन, तो ये सारे एलिमेंट्स कवर हो जाएंगे, प्लस जीरो ऑलरेडी हो जाएगा इसके साथ, तो मैं देखा माइनस टू क्लोज से वन क्लोज यूनियन, और क्या क्या इंक्लूड करना है, टू फोर और सिक्स सिंगल एलिमेंट, तो एलिमेंट्स का लिख रहे टू कॉमा फोर कॉमा सिक्स, ठीक है ना। मैंने जीरो इसमें क्यों नहीं लिखा, बिकॉज जीरो इसमें ऑलरेडी आ चुका है, जब मैंने माइनस टू क्लोज से वन लिखा तो ऑलरेडी जीरो आ चुका है, तो नो नीड टू राइट जीरो अगेन, ऑलरेडी इट इज देयर इन द सेट, ठीक है ना। अब ये हो गया यूनियन, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में दिख रहा है एक सिंगल एलिमेंट दैट इज जीरो, तो आई एम डिस्क्रीट एलिमेंट सिंगल एलिमेंट, आई यूज कर्ली ब्रैकेट, तो आई एम राइट कर्ली ब्रैकेट जीरो। नाउ ए माइनस बी, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी क्या होगा, इसमें से मैं जीरो को हटाना है। अब देखना इसको कैसे लिखा हूं, ए ये जो ये वाला सेट है ए, इसमें से मैं जीरो को हटा रहा हूं, राइटिंग इट लाइक दिस वे, देखना माइनस टू से जीरो ऊपर यूनियन जीरो ऊपर से वन, इसमें जीरो आ गया ए है, बिकॉज इधर मैंने दोनों जगह जीरो को ओपन कर, बेसिकली दिस इज नथिंग बट दिस इज इक्विवेलेंट टू माइनस टू कॉमा वन से मैंने जीरो हटा रहा है, जीरो हटा दिया, ठीक है ना, बोथ आर इक्वल एक्जेक्टली सेम। नाउ लेट्स डू बी माइनस ए, तो बी में से मैं को हटाऊंगा जो उसका ए के साथ कॉमन है, तो बी और ए में जीरो कॉमन है, तो बी में क्या थे चार एलिमेंट्स थे, ये वाला कॉमन वाला है इसको हटा दो, तो आंसर इज टू फोर सिक्स, मेरा थ्री एलिमेंट्स टू फोर एंड सिक्स, आगे वो समझ में आया होगा, चलो आगे बढ़ते हैं। Now let's go to the next question, and that says set A is minus 5 opens in minus 1 close, and set B is curly bracket minus 5 comma minus 4. करते हैं इसमें, तो पहला वाला जो सेट है उसको मार्क कर लेते हैं, दैट इज माइनस फाइव, तो लेट से माइनस फाइव ये है एंड लेट से माइनस वन ये, माइनस फाइव पे ओपन है तो ओपन, माइनस वन पे क्लोज है तो फेल्ड। नाउ आई विल नॉट डिस्क्रीट सेट माइनस फाइव एंड फोर, सॉरी माइनस फाइव एंड माइनस फोर, तो देयर आर टू एलिमेंट्स, एक तो माइनस फाइव और एक इधर आएगा माइनस फोर, बस हो गया अपना प्लॉट हो गया। नाउ विल राइट द आंसर, ए यूनियन बी, यूनियन क्या होगा मेरा, इन दोनों का यूनियन माइनस फाइव से माइनस वन किसने कवर कर लिए, और माइनस फोर भी इसने ऑलरेडी कवर कर लिया, बट माइनस फाइव और आ जाएगा मेरा, तो अल्टीमेटली इस वाले सेट में मैं ये ओपन लगा हुआ है माइनस फाइव पे, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, तो मैं क्या हो जाएगा आंसर, यूनियन विल बी माइनस फाइव क्लोज से माइनस, बेसिकली अब सारे एलिमेंट्स कवर हो गए, क्योंकि ए यूनियन का मतलब नंबर शुड बी प्रेजेंट इन एटलीस्ट वन ऑफ ए और, ठीक है। चलो अब मैं लोग इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन दिख रहा है माइनस फाइव कॉमन है क्या, नहीं गलती से मत बोलना, बिकॉज माइनस फाइव ऊपर वाले सेट में नहीं है, इधर ओपन है, तो माइनस फाइव तो कॉमन नहीं है, क्या माइनस फोर कॉमन है, यस, तो आंसर इज कर्ली ब्रैकेट माइनस फोर। अब आते हैं ए माइनस बी, ए में से को हटाऊंगा जो उसका बी के साथ कॉमन है, तो अभी कॉमन देखा मैंने माइनस फोर इधर कॉमन, तो इसमें से माइनस फोर हटा देते हैं, कैसे लिखते हैं देखो इंपॉर्टेंट है, माइनस फाइव से माइनस फोर यूनियन ओपन, माइनस फोर से माइनस वन क्लोज, देखो इसमें माइनस फोर हट गया, ऐसे तो सारे एलिमेंट्स से माइनस फाइव ओपन से माइनस वन क्लोज, बट उसमें से मैंने माइनस फोर को हटा दिया, या फिर ऐसे लिख लो दिस इज इक्विवेलेंट टू माइनस फाइव ओपन से माइनस वन क्लोज अलग से माइनस वन कर्ली ब्रैकेट माइनस टू, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ओके, बहुत आर करेक्ट। समझ में आना चाहिए, अगर ये चीज समझ में नहीं आई तो मुझे बताना डिफरेंट डाउट सेशन, ठीक है, कि दो तरीके से कैसे लिखना है। हाँ नाउ बी माइनस ए, तो बी माइनस ए, बी में से वो हटाऊंगा मैं जो उसका ए के साथ कॉमन है, तो बी में तो ऑलरेडी दो ही एलिमेंट प्रेजेंट है, इसमें से कॉमन क्या है माइनस फोर हटा दो, लेफ्ट आउट विद माइनस फाइव, सो आई यूज कर्ली ब्रैकेट माइनस फाइव, आई होप क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं एक और एग्जांपल दिया था मैंने तीन तीन सेट का, ठीक है, उसको और डिस्कस करते हैं। ए इज माय ए सेट इज माइनस फाइव से सिक्स क्लोज, माय सेट बी इज जीरो ओपन से टू क्लोज एंड माय सेट सी इज वन ओपन से सेवन क्लोज, ठीक है,
These are my three sets. Now I have to calculate various things. Let's say A union B union C, then A intersection B intersection C, then किसी भी दो में union intersection like that. Then there are a lot of paths. So let's calculate one by one. तो सबसे पहले मैं लेना A union D union C. उससे पहले मैं क्या करूँ, सबसे पहले plot कर लेता हूँ, है ना, तो ज़्यादा आसानी होगी देखने में. तो let's say इसको plot करते हैं minus five और इधर zero two के इधर seven है, इधर six आ रहा है. let's say six इधर one, ठीक है. तो minus five open, तो ये open के लिए hollow circle, six पे close, six पे close, ठीक है. उसके बाद इसी के नीचे same scale पे set B, तो zero से two, तो अभी zero will come here, two will also come here. तो let's say zero is this and two is this. Zero open, set two close. Now come set C, which is one open. So zero two के बीच में आएगा one, से seven open, seven close sorry, one open से seven close. ये देखा कितने बच्चों का सही आता है, ठीक है? देखो दो दो के तो करने लोगे तो pair wise मतलब A और B का union, A और B का intersection A minus B, B minus A, मतलब B union C, B minus C, B intersection C. मतलब जैसे मान लो f(x) की जगह x - 1 दिया है,
inequality on both the sides, inequality ka sign will remain the same.
कर दिया है इतना एम्फसाइज मुझे एक्चुअली मैंने इसलिए किया द रीजन इज इसका दैट्स द पॉइंट एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उसमें अधिकतर बच्चे गलती करते हैं इसको पढ़ लो फर्स्ट पॉइंट अब हम सेकंड पॉइंट पे चलते हैं पहले मैं तुमसे पूछूंगा क्या मैंने जो लिखा है वो करेक्ट है या नहीं ठीक है उसके बाद फिर मैं अपना आंसर दूंगा ठीक है सुनना अभी तो मैंने बात करी एडिशन की ठीक है अभी मैंने किसकी बात करी एडिशन की कि मैंने दोनों साइड एक कांस्टेंट ए ऐड किया अब मैं बोल रहा हूं क्या मैं दोनों साइड कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकता मतलब मैंने ऐसे लिखा मैं पहले का आंसर नहीं दे रहा हूं पहले तुमसे पूछ रहा हूं इज इट करेक्ट और नॉट मां मैंने कहा अगर fx greater than gx दिया है इफ इट इज गिवन देन k टाइम्स द बेस ऑफ स्केलर मतलब एक नंबर है पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी मुझे नहीं पता एक नंबर है k टाइम्स fx इज ग्रेटर देन k टाइम्स gx इज इट करेक्ट और नॉट वीडियो पॉज करो और इसको सोचो क्या जो मैंने नीचे लिखा है वो करेक्ट है या नहीं है जस्ट थिंक इट वंस आई अब तो बस एग्जांपल दे होगा ना इस चीज के लिए तो एग्जांपल है fx gx कुछ मान लो कैसे मल्टीप्लाई करके देखो क्या सही आ रहा है अगर वो सब सभी केस ऑल पॉसिबल केसेस में सही आ रहा है देन इट इज करेक्ट अदरवाइज कहीं भी फेल हुआ तो ये हमारा गड़बड़ हो जाएगा ठीक है तो देखते हैं अब मैं इसका आंसर बता रहा हूं एक्चुअली व्हाटएवर इज करेक्ट इज रॉन्ग एज ऑफ एक्चुअली हम रैंडमली ऐसे इनइक्वालिटीज को हम किसी भी नंबर के से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते उसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं ठीक है फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 4 इज ग्रेटर देन 2 दो सिनेरियो बता रहा हूं 4 इज ग्रेटर देन इस इन्हीं दोनों सिनेरियो से हम कंट्रोल करेंगे कि हम ये क्यों गलत है और सही क्या लिखे हैं ठीक है इसलिए ध्यान से देखना मैथमेटिकल एग्जांपल दिया जिससे जल्दी दिमाग में बैठे 4 इज ग्रेटर देन 2 अब मैंने कहते हैं दोनों साइड मान लो 2 से मल्टीप्लाई किया सो व्हाट यू विल गेट हियर 8 व्हाट यू विल गेट हियर 4 एंड यू नो 8 इज ग्रेटर देन 4 तो मतलब मैंने बोला fx greater than gx ये होगा kfx greater than kgx तो हां तो काम कर गया मतलब ये करेक्ट ही है देखो बाबा अभी गलत हिसाब बात करेंगे हम यहां तक तो फिट हो गया बट मैंने क्या बोला कि अगर हम कोई चीज जनरलाइज करते हैं देन यू हैव टू सी ऑल द पॉसिबल केसेस ना व्हाटएवर केसेस आर गेटिंग मतलब जितने केसेस बन रहे हैं वो सभी वैलिड होना चाहिए तभी हम उसको जनरलाइज स्टेटमेंट बोल सकते हैं ऐसा नहीं कि इधर सेटिस्फाई हो गया तो हम इसको करेक्ट बोल दें नहीं अब देखा गलत प्रूव कर रहा हूं अब मैंने क्या किया इधर माइनस टू से मल्टीप्लाई किया क्योंकि के तो कोई भी नंबर हो सकता है पॉजिटिव नेगेटिव तो मैंने माइनस टू से मल्टीप्लाई किया व्हाट यू गेट हियर माइनस है व्हाट यू गेट माइनस भैया अब क्या हुआ कुछ अलग चीज हो गई क्या हो गई ये हो गई क्या हो गया यहां से यहां तक जाने में साइन एस आई जी एन साइन ऑफ इनइक्वालिटी साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेस और बड़ी बात हो गई यहाँ तो सेम रहा था लेकिन यहाँ तो सेम रहा वहां चेंज हो गया और हमने इधर क्या लिखा हमने सेम ही लिखा बट हमने उधर मेंशन तो नहीं किया कि क्या है तो नाउ कैन यू कंक्लूड कि ये कब करेक्ट होगा जो लिखा था वो कब करेक्ट होगा व्हेन के इज पॉजिटिव अगर के पॉजिटिव है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल रिमेन द सेम दैट मींस दिस इज करेक्ट लेकिन अगर के नेगेटिव है फॉर एग्जांपल हियर देन व्हाट हैपेंड इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया है वो छोटी सी बात बहुत मोटी बात है बहुत बड़ी बात है हम रैंडमली इनइक्वालिटीज में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते वी शुड नो इट्स साइन कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है अगर पॉजिटिव है मल्टीप्लाई कर दो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल रिमेन द सेम बट अगर नंबर नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया तो यू हैव टू चेंज द इनइक्वालिटी का साइन गेटिंग इट तो मैं इसको करेक्ट में कैसे लिखूं पहले इतना कॉपी करो जो मैंने समझाया ठीक है अब मैं इसको करेक्ट लिख रहा हूं मैंने बोला कि ऊपर वाला अभी तक करेक्ट नहीं है हमें इसको करेक्ट करेक्ट नहीं लिखूंगा कि ये करेक्ट कब होगा मतलब साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल रिमेन द सेम इफ जिस नंबर से मैंने मल्टीप्लाई किया वो पॉजिटिव है तो मैं क्या लिखूं दिस इज ट्रू इफ k इज पॉजिटिव देखो इफ k इज पॉजिटिव देखो उसमें दिक्कत नहीं थी एडिशन में दैट एडिशन में तो k चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल रिमेन द सेम बट व्हेन वी आर मल्टीप्लाइंग इट बाय k ना ऑन बोथ द साइड तब फर्क पड़ेगा अगर k पॉजिटिव होगा इनइक्वालिटी का साइन विल रिमेन द सेम इफ k इज नेगेटिव तो उल्टा हो जाएगा k fx क्या होगा विल बी लेस देन k gx इफ k इज नेगेटिव छोटी सी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है ना सो दिस इज फॉर आवर सेकंड पॉइंट आई होप क्लियर हुआ होगा ठीक है अच्छा अब मैं थर्ड पॉइंट की तरफ मूव करता हूं तो अभी तक कंट्रोल कर लेते हैं हमने क्या देखा
मैंने कहा कि इनइक्वालिटीज में जैसे मैंने दे रखा कि fx is greater than gx मतलब कोई x का एक्सप्रेशन है या कांस्टेंट है और एक दूसरा एक्सप्रेशन है उसने ऑलरेडी दे रखा है कि एक्सप्रेशन 1 इज ग्रेटर देन एक्सप्रेशन 2 तो मैंने बोला उन दोनों एक्सप्रेशन में आई कैन ऐड सम कांस्टेंट या फिर आई कैन सबट्रैक्ट इनइक्वालिटी का साइन विल रिमेन द सेम ठीक ना उसमें तो अधिकतर बच्चे गलती नहीं करते गलती का मतलब सेकंड पॉइंट कि अगर कोई इनइक्वालिटी दी है हम रैंडमली इस इनइक्वालिटी में कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते which before multiplying we should know its sign sign ki wo positive hai negative hai agar positive se multiply kiya to inequality ka sign will remain the same lekin agar negative number se multiply kiya to sign of inequality will change matlab agar less greater hai to less ho jayega less hai to greater ho jayega theek hai chalo to ek kaam chalo ek point aur bata deta hu uske baad fir end up karta hu lecture theek hai same thing if so ye tumhe task deta hu if fx is greater than gx then main likh raha hu fx ka square is greater than gx ka square pehle socho complete karwa deta hu halanki but pehle tum socho ki kya karna hai maine bola fx koi cheez hai ye to common hai fx greater than gx for all the parts aise main paanch char parts bana raha hu this is the third five i think five parts to fx is greater than gx ab isne kya bola ki kya fx square greater than gx square hoga मतलब इसका मतलब कहने का मतलब जैसे कोई भी इनइक्वालिटी है तो क्या मैं उसका स्क्वायर एक कर सकता हूं पहले सोचो मतलब तुम्हें क्या करना पड़ेगा अगर गलत बोलना है इसको तो यू शुड हैव सम ऐसे एग्जांपल ऑफ एग्जामिनेशन मतलब एग्जांपल मतलब जो इसको जस्टिफाई ना कर सके तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं बोल दे रहा हूं इसका आंसर इज नहीं ये गलत लिखा है अगर fx gx से बड़ा है तो जरूरी नहीं है कि fx स्क्वायर ग्रेटर देन gx स्क्वायर इसका मतलब हम लैंग्वेज फॉर्म में कैसे बोलेंगे इनइक्वालिटी में कि हम दोनों साइड स्क्वायरिंग नहीं कर सकते दोनों साइड स्क्वायरिंग नहीं कर सकते जैसे काम आ पाएगा जैसे आगे चल के मान लो हम इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मॉड ऑफ x - 3 इज ग्रेटर देन x - 2 तो इधर मेरा क्या है स्क्वायर रूट टाइप की चीज है तो स्क्वायर रूट इस टाइप की इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के लिए आई हैव टू रिमूव स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट रिमूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा ऑफ कोर्स स्क्वायरिंग करना पड़ेगा तो ऐसे मैं रैंडमली स्क्वायर को नहीं कर सकता क्योंकि मैंने अभी देखा है कि अगर fx greater than gx है तो आई कैन नॉट राइट fx square greater than gx square तो इस वाले में मैं ऐसे नहीं लिख सकता x - 3 is greater than x - 2 का स्क्वायर दिस इज टोटली रॉन्ग दिस इज व्हाट बता रहा हूं मैं ये सिनेरियो विद एन एग्जांपल लेट्स से दिस इज माय fx दिस इज माय gx तो fx greater than gx फिर मैं क्या बोल रहा हूं fx square greater than gx square इज रॉन्ग गेटिंग इट क्यों रॉन्ग है अब समझते हैं विद एन एग्जांपल देखो चार सिनेरियो दे दूंगा देखो चार सिनेरियो सब कुछ क्लियर हो जाएगा मैंने बोला एक लिया मैंने 4 इज ग्रेटर देन 2 एक लिया माइनस 2 इज माइनस 4 इज लेस देन माइनस 2 एक लिया माइनस 4 इज लेस देन 2 और एक लिया 4 इज ग्रेटर देन माइनस सी है क्यों ऐसे चार टाइप के मतलब फिगर्स दिए तो समझ में आएगा चलो अब मैं आपको समझाता हूं मैंने बोला 4 इज ग्रेटर देन व्हिच इज परफेक्टली ओके मतलब fx इज ग्रेटर देन gx अब मैंने स्क्वायर किया तो व्हाट आई गेट इन हियर 16 इधर मैंने कहा 4 तो वी कैन से 16 इज ग्रेटर देन 4 परफेक्टली ओके चलो कोई बात नहीं हां तो काम कर गया ये वाली चीज मतलब fx ग्रेटर देन gx fx स्क्वायर ग्रेटर देन gx स्क्वायर बट अगर इधर काम कर गया तो मैं इसको जनरलाइज तो नहीं कर सकता हम तो देख लेते कहीं फेल तो नहीं होगा फेल होगा होगा फेल जब भी तो मैंने इधर क्रॉस लगाया था ना तो इधर आते हैं माइनस फोर लेते माइनस टू स्क्वायर किया तो यू गेट देयर 16 हियर यू गेट 4 क्या हुआ पलट गया वार पलट गया उधर लेस देन था ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो गया तो इसलिए मैंने बोला था हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते सो हमें उससे पहले स्क्वायरिंग करने के पहले अगर हमें पता है कि दोनों साइड पॉजिटिव है तब तो सेम रहा अगर दोनों साइड नेगेटिव है तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो गया अब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ले लेते हैं तो लेट्स से इधर 16 हो गया इधर 4 हो गया इधर 16 हो गया इधर 4 हो गया बट क्या हुआ इधर चेंज हो गया इधर सेम रहा चेंजेस ऐसे देखो चेंजेस चेंजेस मतलब साइन ऑफ इनइक्वालिटी इधर सेम इधर चेंजेस इधर सेम तो ऑफ कोर्स जो मैं इसको लिख रहा था जनरलाइज वो तो बिल्कुल सब साफ सब गलत था कि अगर fx gx से बड़ा है तो ऑफ कोर्स fx स्क्वायर इज ग्रेटर देन gx स्क्वायर वो तो गलत है ना
तो फिर मैं कब लिखूंगा ये सही होगा, तो सुनना मेरा ध्यान से कंक्लूजन फॉर दिस, और उसके बाद हमारा लेक्चर लेक्चर खत्म हो जाएगा। यहीं मैं कंक्लूड करता हूँ इसी पॉइंट पे, क्या है कि अगर एफ एक्स और जी एक्स पॉजिटिव है, सुनना, इफ एफ एक्स कॉमा जी एक्स बोथ आर पॉजिटिव देन वी कैन स्क्वायर, लिखो इफ एफ एक्स कॉमा जी एक्स बोथ आर पॉजिटिव, बोथ आर पॉजिटिव देन वी कैन स्क्वायर, देन वी कैन स्क्वायर बोथ साइड्स, बोथ साइड्स साइन ऑफ इनइक्वालिटी, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल रिमेन द सेम, विल रिमेन द, दिस इज द एग्जांपल फॉर दिस, कि अगर एफ एक्स विच इज 4 जी एक्स विच इज 2 बोथ आर पॉजिटिव वी कैन स्क्वायर साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल रिमेन द सेम। सेकंड इसी के अंदर अगर दोनों नेगेटिव हैं, फॉर एग्जांपल हियर -4 -2 एफ एक्स एंड जी एक्स बोथ आर नेगेटिव, तो तुम लोग कॉपी कर लेना, मैं ऊपर से लिखता हूं इफ एफ एक्स एंड जी एक्स बोथ आर नेगेटिव देन वी कैन स्क्वायर, ऐसा नहीं कि नेगेटिव है तो स्क्वायर नहीं कर सकते, स्क्वायर तो कर सकते हैं बट साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज, गेटिंग इट, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज, ठीक है। व्हाट अबाउट दीस टू केसेस, इसको हम डिस्कार्ड करेंगे, डिस्कार्ड करेंगे मतलब अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो उसमें हम जनरलाइज नहीं कर सकते, कभी तो चेंज हो रहा है कभी चेंज नहीं हो रहा है, इफ वन इज पॉजिटिव एंड अदर वन इज नेगेटिव देन अवॉइड स्क्वेयरिंग, देन डोंट स्क्वेयर बिकॉज समटाइम्स इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा समटाइम्स चेंज नहीं होगा, तो इसलिए हम इस वाले पर्टिकुलर पार्ट में क्या करेंगे, वी विल नॉट स्क्वेयर, ठीक है। तो इसको लिखना है, यू कैन मेंशन इन दिस पॉइंट इफ इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर ऑफ अपोजिट साइन, ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव देन अवॉइड स्क्वेयर देन डोंट स्क्वेयर एंड डोंट स्क्वेयर, नाउ स्क्वेयर करना ही नहीं, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, तो मैंने बोला अगर दोनों साइड पॉजिटिव है बिंदास स्क्वायर करो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज, सॉरी विल नॉट चेंज, और अगर मैंने बोला कि दोनों साइड नेगेटिव है उस वक्त भी बिंदास स्क्वायर करो कोई दिक्कत नहीं, बट वाइल आफ्टर स्क्वायरिंग इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर दो, कब, जब दोनों साइड नेगेटिव है, ठीक है। और अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो स्क्वायरिंग नहीं करना, फिर उसका कुछ और विकल्प होगा वो देखते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन टू क्वेश्चन, ठीक है ना। तो अभी आज के लिए इतना काफ़ी है और इसके बाद फिर अपन आगे कंटिन्यू करेंगे, इसमें एक दो पॉइंट और, एक दो पॉइंट और है और फिर हमारा हम जस्ट उसके बाद डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स में जंप करेंगे और ये सब चीज़ें यूज होंगी वाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स। एक्चुअली दिस इज नथिंग बट थियोरेटिकल पार्ट ऑफ हाउ टू सॉल्व इनइक्वालिटी, छोटी छोटी चीज़ें वो क्वेश्चन में काम आएंगी, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू।